नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये है मेरे पास 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस, ठीक है। और इस पे मैं आपको 34 साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करना बता रही हूँ। तो मैं चूंकि मुझे तो ब्लाउज सिलना है, पर मेरे किसी भाई बंधु ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें फर्मा कटिंग बताएं, तो आप पहले उसको ब्लाउज की कटिंग को फर्मा कटिंग कीजिए, ताकि कोई आपसे मिस्टेक हो तो आप उसको सही कर सकें। तो इसके लिए क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हम ब्लाउज की फर्मा कटिंग करेंगे और उसके बाद हम उसकी पेपर पे सॉरी कपड़े पे कटिंग करेंगे, जो हमारा फैब्रिक है उस पर हम कटिंग करेंगे। तो ये सिंगल है, सिलाई भी बहुत आसानी से होगी। तो मैं आपको इसकी सिलाई भी बताऊंगी और पहले मैं आपको इसकी कटिंग भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये डबल फोल्डेड पेपर लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम नीचे की जो इसकी फोल्डिंग होती है ना, क्योंकि ये सिंगल ब्लाउज है तो इसमें तो हमें फोल्डिंग जरूरी चाहिएगी, तुरपाई की जो पट्टी होती है उसको फोल्ड करना ही करना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे लंबाई। लंबाई के लिए मैं आपको बताती हूँ, प्रत्येक ब्लाउज की लंबाई अलग अलग होती है हर साइज़ के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कद में छोटे होते हैं तो उनको कम लंबाई चाहिए होती है ब्लाउज की, कुछ लोग लंबाई में ज़्यादा होते हैं तो उनको ब्लाउज भी लंबा चाहिए होता है एक ही साइज़ में। जैसे चेस्ट तो 34 ही है, पर एक आदमी है, एक लेडीज है वो छोटी है यानी ओछी है, जिसकी हाइट नहीं है, और एक लेडीज है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो उसे ब्लाउज की हाइट भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो जैसे मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ, जैसे ये ब्लाउज है, ये भी देखिए 34-36 साइज का है लगभग। तो इसके अंदर ब्लाउज की लेंथ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, जैसे 13-14 इंच। नॉर्मली ब्लाउज की जो लेंथ होती है वो 13 प्लस हाफ और 14 इंच होती है। तो इसकी लेंथ आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 13 या 13 प्लस हाफ मान सकते हो आप ज़्यादा समझे तो ये इतना ही है। इसके साथ ही इसी तरह से मैं एक ब्लाउज आपको और दिखाती हूँ, देखिए ये भी ब्लाउज है तो इसके भी लंबाई है वो एक्स्ट्रा है। तो एक ही साइज में, ये भी 34 का ही है, एक ही साइज में जो ब्लाउज की जो लेंथ है यहाँ पे लगभग 15 इंच आ रहा, आप देख सकते हो लगभग ये 15 इंच का पॉइंट है। और इस तरह से आपको कम, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती है, तो ये लगभग 15 इंच का है ऊपर से लेकर के। तो एक ही साइज के चेस्ट के और जो ब्लाउज होते हैं उनके लेंथ अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे ये लगभग 9 इंच का है यानी 36 साइज का है, और ये भी साइज 36 का ही होना चाहिए, मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया है वहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ, ये भी 36 साइज का ही है। तो ये देखिए दोनों ब्लाउज 36 साइज के हैं, पर एक की लंबाई 13 इंच है, एक की लंबाई 15 इंच है, तो बहुत अंतर हो जाता है। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको ब्लाउज आपका कितना लंबा है और आपको कितना लंबा चाहिए। यहाँ पे मैं मीडियम जो होती है लंबाई, मिनिमम जो हर साइज के लोग जो बनाते हैं वो 14 इंच, तो यहाँ पे हम लेंगे 14 इंच की तैयार लेंथ। तो नीचे वाली पट्टी को छोड़ देते हैं, इसके बाद ये लेंथ हो गई हमारी 14 इंच, और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा लेना होगा हाफ इंच एक्स्ट्रा। वो किस लिए लेते हैं, जो हम शोल्डर में ऊपर में ज्वाइंट करेंगे ना, मैं आज आपको डिटेल्स में बता रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ। ये जो हमारी सिलाई होगी ना मुड्ढे की, यहाँ पे हमें हाफ इंच चाहिए होता है, तो ये हाफ इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया। अब बैक साइड में आपको दिखाती हूँ, बैक साइड में आप देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक कुछ भी नहीं है, कहीं भी आपकी लेंथ कम नहीं होगी, ठीक है। तो सिर्फ ये हाफ इंच कम होती है, तो ये हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि लगभग 9 इंच 10 इंच डीप नेक है, 5 ही इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। 5 इंच शोल्डर लेने के बाद आप नेक की विड्थ जो लीजिए 2 इंच की, और जो नेक की लेंथ आपकी जो 6 है 7 है जो भी है, या फिर यहाँ पे बैक साइड के अंदर तो 9 इंच होगी, तो यहाँ पे 9 इंच हम ले लेते हैं। इसके बाद अगर आप 10 इंच तक लेने लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने चौड़ाई कवर में की हुई है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 इंच ही, तो 9 इंच यहाँ से हमने लेंथ ले लिया। चौड़ाई कितनी लेनी होगी, देखो यहाँ से तो आपने 2 इंच लिया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपको 3 इंच लेनी होगी। तो अब हम यहाँ से इसकी गोलाई दे देते हैं, ये आपका बेक नेक हो गया है। अब फिर मैं यहाँ से 5 इंच पे पॉइंट लगाऊंगी, और जो आर्म होल होते हैं ना 34 साइज में, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 5.5 इंच ही आर्म होल ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग 4.5 लेते हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं ये जब हम शेप लगाते हैं ना, तो काफ़ी बहनें हैं जो कन्फ्यूजिंग हो जाती है, काफ़ी के सेट होता है, काफ़ी के मुड्ढे बिल्कुल फ्लैट नहीं होते हैं, तो उनको ये शेप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम शेप नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल 5.5 इंच जो आर्म होल की लेंथ होती है वही लेते हैं। यहाँ पे हमारी 8.5 इंच होगी 34 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, जब भी आप ब्लाउज बना रहे हो तो 2 इंच का मार्जिन हमेशा लीजिएगा, ताकि जब भी किसी की ब्लाउज टाइट हो जाए वो खोल सके। कितने महंगे कपड़े आते हैं और फिर वो जब खोल ही ना सके, उसको कहीं लूज भी ना कर सके, पहन ही नहीं सके बाद में 1-2 साल में, तो फिर उसका सारा पैसा व्यर्थ जाता है, इसलिए 2 इंच की मार्जिन जरूर रखें। यहाँ पे हमने 1 इंच का
लगाया है, क्योंकि ज्यादा लगाएंगे तो ये क्या है, ब्रॉड हो जाता है, फिर नेक तो अपनी जगह देगा ही, जो हमारा नेक ओपन होगा ना, ये वाला फैल करके यहाँ तक आ जाता है, इसलिए आपको इसको कम ही लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है 34 साइज में, और अगर ये नेक बंद होता है ना, ये जैसे 7 या 8 इंच तक होता है, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच ले सकते हैं, क्योंकि नेक थोड़ा कम खुलता है, कम ब्रॉड होता है, उसको जितना स्पेस ज्यादा मिलेगा तो वह उतना ही ज्यादा ब्रॉड होगा, फैलेगा, आपकी पीठ को कवर करेगा। अब ये ऊपर का पार्ट्स कम्प्लीटली हो गया है, नीचे हमारी कमर हम 34 के साइज 30 इंच कमर मान लेते हैं, तो 34th पार्ट हो गया 7.5, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, हो गया 8.5 इंच, ठीक है। अब आप फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट में इस तरह से मिला दीजिए, और फिर आप यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2 इंच का मार्जिन, तो इस तरह से आप मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन में मिला दीजिए। तो ये आपकी हो गई है, मेन ग्राफ हो गया है बैक साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट और लगाना है, तो ये पॉइंट अब हम लगा लेते हैं 3.5 और 4 के बीच में, आप कितनी भी दूरी से लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉपर नहीं है कि आप यहीं पे ही लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, 1/2 इंच आगे पीछे इस तरफ हो सकता है, 1/2 इंच इस तरफ हो सकता है, नेक के अकॉर्डिंग हो सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 इंच की तैयार, ये जो यहाँ से फोल्डिंग हो जाएगी ना, यहाँ से लेकर के इसकी लेंथ 4 इंच की, ठीक है, और यहाँ से इसकी चौड़ाई हम करेंगे 1 इंच, यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, तो 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ, और इस पट्टी को बस यही, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे और इस यही सिलाई में आप इसको 1 इंच दबाएंगे ना, तो आपका बैक साइड और आगे का पार्ट जो लड़के कहते हैं ना, हमारा छोटा हो गया है, आगे का पार्ट कोई कहते हैं बैक साइड का पार्ट छोटा होगा, तो नहीं होगा, अगर ये मेजरमेंट सही नहीं होगा, आप यहां से हमने लिया तो 1 इंच का है, या तो फिर आप इसमें 1.5 इंच दबा देते हैं, या फिर आप इसको 1/2 इंच लेते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। बैक साइड पार्ट्स को कट कर लेती हूँ, कट हो गया बिग साइड पार्ट्स बिल्कुल बराबर के अंदर। अब ठीक यही शोल्डर, यही आर्मोल और यही नेक विड्थ, 2 इंच नेक विड्थ, 5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच आर्मोल की लेंथ लेकर के, और आगे का पार्ट्स तैयार करेंगे, आगे के पार्ट्स की लेंथ हम एक्स्ट्रा करेंगे, देखो सिंगल कर लेते हैं, और इसको ठीक इस पर रख करके ऐसे ही, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, ये फोल्ड हो रहा है, ठीक है, इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के और ड्रो कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये नेक की जो चौड़ाई है छोड़ दी है, और बाकी सारा बिल्कुल बराबर में इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब आगे का सीप यहाँ पे हम लगाएंगे, तो यहाँ से हम आगे के लिए 1/4 इंच अंदर की ओर ले लेते हैं, लगभग 1/4 इंच अंदर की ओर लेकर के आपको इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है, इसके अंदर मिला दिया है, अब इसको हमें इस तरह से मिला देना है, मिला दिया ना, ये हो गया हमारा आगे का सीप, यहाँ पे ड्रॉ हो गया है 1/2 इंच से 1/4 इंच के लगभग ये होता है, ठीक है। अब आगे का नेक हम यहाँ करेंगे, तो नेक की लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच, तो आगे का नेक 7 इंच, ऊपर से है ये 2 इंच की चौड़ाई में, नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच की चौड़ाई में, तो आपको इस तरह से आगे का नेक ड्रॉ करना होता है, जैसे हमने पीछे का ड्रॉ किया, बिल्कुल हो गया ओके। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका थर्ड भाग देखेंगे, जैसे 34 का मैं बना रही हूँ ना, 34 का थर्ड भाग कितना हुआ, 11.5 इंच, तो अब आप देख सकते हो मेरा ये वाला सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, 11.5 इंच पे है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा देती हूँ, और एक पॉइंट लगाने के बाद में हमने जो नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, दिखाती हूँ मैं आपको फिर से, इसको रख करके ये जो बैक साइड पार्ट्स है, ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किस लिए लिया था, 2 सिलाई के लिए, ये देखिए 2 सिलाई कौन सी आएगी, बीच का जो बेल्ट जॉइंट होगा ना वो वाला, वो अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी 1 सिलाई का हम यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो ये चेस्ट का थर्ड भाग 11.5 इंच प्लस ये वाला सिलाई के लिए। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रो कर लेते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये हो गया सीधी लाइन ड्रो। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं, इस तरह से ये आगे का सेप हो गया है, पता चलता है कि आगे की साइड है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे, तो टक्स लगाने के लिए हम इस पार्ट्स को बिग साइड के पार्ट से कितना एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो आप इसको बढ़ा दीजिए ऊपर से 1/4 इंच और नीचे से 1 इंच, यहाँ से मैंने कितना बढ़ाया 1 इंच, यहाँ से मैंने कितना बढ़ाया 1/4 इंच, ये वाली जो टक्स लगेगी ना इसके लिए 1/4 इंच, ये वाली जो मिडिल सेंटर की टक्स लगेगी इसके लिए 1 इंच, और इसको हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स्ट्रा लाइन हो गई है, जो कि हुई है किस लिए, टक्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट टक्स हम यहाँ पे आपको बता देते हैं,
फोर इंच पे लगाएंगे, ये हो गया 4 इंच का पॉइंट, और टक्स पॉइंट ऊपर से लेंगे हम 9 इंच पे, तो ये हो गया 9 इंच। देख सकते हैं आप, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है 9 इंच का, और इस टक्स को यहाँ तक हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ तक हमारी ये जो टक्स पॉइंट है वो सीधी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो कितनी लेंगे, टोटली हम ले लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच की इस तरफ में, 1.5 इंच की इस तरफ में, टोटल हो गया 1.5 इंच की, और इसको हम इस सेंटर में मिला देते हैं, तो ये आपका यहाँ पे अहम टक्स हो जाएगा, यानी मेन टक्स हो गया है, ठीक है। दूसरा टक्स आप इस तरफ से हल्का सा लगा दीजिए, ये हो गया आपका। तीसरा टक्स आप इस तरफ से मार्जिन साइड में, यहाँ से आपको लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच की दूरी तक इस टक्स को लेना होता है, तो ये पॉइंट आप इस तरह से लगाइए, और इस पॉइंट तक आपको ये वाला टक्स लगा देना होता है, ये हो गया है। फिर यहाँ से आपको लगभग 2 इंच के ऊपर तक एक पॉइंट लगा दें, और इस तरफ वाला ये टक्स आप इस तरह लगा दीजिए, तो ये आपके चारों टक्स हो गए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और इस टक्स को हम लगभग 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 1/2 इंच का लगाएंगे, इसको भी हम 1/2 इंच का लगाएंगे, इसको हम हल्का सा 1/4 इंच से भी कम लगाएंगे, इसको हम 1.5 इंच का लगाएंगे, तो ये हमारा ऊपर का बेल्ट का पार्ट तैयार हो गया है। यहाँ से कटिंग, ये शेप लाइन है ना, ये कटिंग करते हुए और इस लाइन को हम कटिंग कर लेंगे, और क्रॉस नीचे की जो क्रॉस पट्टी है उसको हम इतना ही कटिंग करेंगे जितना बैक साइड पार्ट्स है। अगर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे ना, इसको अगर एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे तो ये वाली पार्ट्स बड़ा हो जाएगा इसको, तो इसलिए यहाँ पे इसकी ये टक्स आ जाएगी, और इसकी हुक कोराई की पट्टी जॉइंट होगी वो सिलाई में चला जाएगा, तो ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर होंगे, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आगे का पार्ट्स बिल्कुल तैयार है। तो अभी आपको समझ में आया कि ये पार्ट्स इतना बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये टक्स आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे, क्योंकि बैक साइड में तो 1 इंच की टक्स लगेगी, यहाँ पे हमारी सिर्फ 1/4 इंच ही जाएगा सिलाई के अंदर, तो इसको मैंने थोड़ा सा और छोटा कर लिया है। अब ये हमारा बिल्कुल बराबर आएगा इतना टक्स, ये वाला टक्स लगने के बाद में, तो दोनों आगे के पार्ट्स कंप्लीट तैयार है। अब हम बाजू की कटिंग करके फिर आपको ब्लाउज पीस पे कटिंग करना बता देंगे, तो यहाँ पे हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की लेंथ लेंगे हम 4 इंच, अमूमन 4 इंच तैयार करेंगे, तो लेंगे हम 5 इंच, 3 इंच नीचे एक पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्मोल लेंगे, आर्मोल जैसे होते हैं 15 इंच, तो 7.5 होगा इसका हाफ, और आर्मोल जैसे होते हैं 14 इंच, तो 7 इंच होता है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने 7.5 दिया है, तो आपका जितना भी आर्मोल हो आप उस हिसाब से लें। 2 इंच पे पॉइंट लगा के ये लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इसमें मिला देंगे, मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा गोल शेप देंगे, क्योंकि ये बैक साइड का है ना, इसलिए हम इसको गोलाई दे देंगे, तो ये हमारी गोलाई हो गई है, और इसको हम थोड़ा आगे तक को ले जाएंगे, लगभग 2 इंच आगे तक जितना हमारा मार्जिन होता है, तो ये मैंने 2 इंच आगे तक पॉइंट लगा दिया है। अब मिडिल जो इसका सेंटर होगा ना, वहाँ पे हम 1/4 इंच के लगभग एक पॉइंट लगा देंगे, 1/2 इंच से 1/4 इंच तक। अब हम इस पत्ती नुमा आकार बनाएंगे यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे पत्ती नुमा आकार बना दिया, और इस पत्ती नुमा आकार को हम इस सेंटर पॉइंट में मिला देंगे, मिला दिया है। अब यहाँ से जो आपका होता है ना बॉटम, 16 इंच मान लीजिए या 11.5 मान लीजिए, तो 1.5 पे लगा देते हैं, तो इस पॉइंट्स को हम फिटिंग पॉइंट्स को इस तरह से मिलाएंगे, मार्जिन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो बहुत सरल है बाजू की कटिंग भी, आप इसी तरह से कटिंग करके और ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हैं। मेरे कहने के मुताबिक मैं आपको यही सलाह दूंगी कि फर्मा कटिंग ज़रूर करें, फर्मा कटिंग करने से एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक आपको कटिंग करने का आइडिया आएगा, और एक आपके ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ से जो ये सेब पत्ती है वो हम कटिंग कर लेते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा जैसे भी हमने ड्रॉ किया हुआ था ना, वैसे मैंने एक्स्ट्रा पत्ती को कट कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी बाजू भी कटिंग होकर के तैयार है। अब हम इसको ब्लाउज पीस पे कटिंग कर लेते हैं, तो ये हम ब्लाउज पीस लेंगे। सबसे पहले मैं अपने ब्लाउज पीस पे बाजू की कटिंग करके इसको अलग कर देती हूँ, तो ये जो लेंथ है ना हमारी बाजू की, लंबाई तो यही है ना, तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ से अगर ये छोटी हो रही है तो इसके अंदर हम जॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं, रखा मैंने। और अगर एक्स्ट्रा चाहिए मोड़ाई के लिए आपको, फोल्डिंग के लिए, यहाँ पे तो वैसे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 4 इंच की लेंथ चाहिए, तो फिर भी अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप नीचे से इसको लंबा रख लो, आपकी बाजू जो है वो बड़ी हो जाएगी, और इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लो। बाजू की कटिंग हो गई है, पर ये जो छोटी है ना यहाँ से, इसमें हम इतना सा जॉइंट लगा देंगे, तो ये देखिए ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे आपको जॉइंट लगाना है, ठीक है। बाजू कटिंग करने के बाद देखिए हमारे पास 3 पार्ट्स रहते हैं, बैक साइड का पार्ट्स, आगे का क्रॉस बेल्ट का पार्ट, और ये नीचे की हमारी क्रॉस पट्टी। तीनों सेट होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फैब्रिक बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है, और इस तरफ भी, तो आप रेप की जो पट्टियाँ निकाल सकते हो,
और आप चाहे तो ब्लाउज की लेंथ भी बढ़ा सकते हो, जैसे आपका ब्लाउज और लंबा हो तो आप इस तरह से इसको बढ़ा करके और लेंथ भी बढ़ा सकते हो, इस पार्ट्स को बढ़ा लो, इस पार्ट्स को और बढ़ा लो, तो आपके दोनों जितना आप इसको बढ़ाओ उतना आप नीचे की क्रॉस पट्टी को बढ़ा लो, ये पार्ट्स बिल्कुल बराबर है, ओके सही है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो चूंकि बिल्कुल बराबर में चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको कटिंग कर लेती हूँ, और जो भी होगा उसके अंदर हम पट्टियाँ निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा ना यहाँ से और जो यहाँ पे, तो आप उसमें से पट्टियाँ निकाल करके और इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग बहुत सरल है, खासली मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी इसकी स्टिचिंग की वीडियो की, तो वो आप देख लीजिए, और बाकी दूसरे वीडियो की लिंक भी है जहाँ पे आप फोर टक्स, ये जो फोर टक्स ब्लाउज है उसकी वीडियो देख सकते हैं कि सिलाई कैसे करते हैं, और अगर आप इसकी देखना चाहें तो आप एक दो दिन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। दोस्तों ये है हमारे आगे का पार्ट्स, ठीक है ना, और इस पार्ट्स के अंदर हम इसको जॉइंट करते हैं, नीचे की क्रॉस पट्टी है यहाँ पे, जैसे ही हम ये वाला टक्स लगाएंगे तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट्स यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी टक्स लगेगी इस तरह भी, वो आप स्टिचिंग की वीडियो में देख सकते हो। ये हमारे दोनों पार्ट्स कम्प्लीट हो गए हैं, इस तरफ हमारी बाजू में ये जॉइंट आएगा, ये भी ये वाला जॉइंट है ये भी कम्प्लीट हो चुके हैं, और इस तरफ ये हमारा बिग साइड का पार्ट्स है, ये भी हमने कम्प्लीटली कटिंग कर लिया है। तो हमारे सारे पार्ट्स ऑलरेडी कटिंग हो चुके हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस